देखिए ये बहुत एक पुरानी और लंबी डिमांड थी, क्योंकि बाकरगढ़ गांव जो दिल्ली का बॉर्डर है वहां से ये गांव गुभाना और माजरी ये केवल 2 किलोमीटर की दूरी पे है। और कुछ समय पहले जब हमने बाढ़सा के लिए बस भी चलाई थी, बाढ़सा एम्स के लिए, तब भी ये डिमांड आई थी। और कुछ समय पहले जब उपनिया गांव में मेरा जाना हुआ था, वहां जनसभा थी, तो वहां के काफी लोगों ने, काफी जो वहां के स्थानीय लोग थे और जो गुभाना गांव के भी जो लोग थे, बुजुर्ग थे, महिलाएं थी, उनका कहना था कि यहां पर कोई परिवहन व्यवस्था उस प्रकार से नहीं है जिस प्रकार से दिल्ली में है। दिल्ली में जिस प्रकार से माननीय सीएम अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में, जिस प्रकार से हमने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मजबूत किया है, आज वहां कोई भी व्यक्ति को चंद मिनटों से ज्यादा वहां इंतजार नहीं करना पड़ता। बेहतरीन बसें, एयर कंडीशन, लो फ्लोर, इलेक्ट्रिक बसें जो हैं आज वहां पब्लिक की सेवा में हैं। मेरे ख्याल से उसी से प्रेरित होकर यहां के लोगों ने बार बार ये डिमांड की। हमारे साथ जो यहां पे आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं और जो अधिकारी हैं, जो पदाधिकारी हैं, उन्होंने भी हम तक ये आवाज पहुंचाई कि अगर, क्योंकि केवल 2-2.5 किलोमीटर की दूरी है, तो उसी पब्लिक इंटरेस्ट को देखते हुए और लोगों की आवाज को देखते हुए, जो लोगों की डिमांड थी उसको देखते हुए, हमने जो बाकरगढ़ गांव पे 848 रूट नंबर बस जो टर्मिनेट हुआ करती थी उसको हमने मात्र 2 किलोमीटर आगे बढ़ाया, ताकि गुभाना माजरी गांव के साथ साथ जो आसपास के जितने भी 15-20 गांव हैं उनको फायदा होगा। गुभाना माजरी वे आसपास के जितने भी गांव हैं जो झज्जर जिला में आते हैं, मेरी तरफ से, दिल्ली सरकार की तरफ से, माननीय सीएम अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई कि उनको बेहतरीन इलेक्ट्रिक बसों में सफर करने का मौका मिलेगा। रात को धूप में, बारिश में, जो हमारी माताएं बहनों को 2-2.5 किलोमीटर बाकरगढ़ गांव से चलने पे मजबूर थीं, वो अब बिल्कुल आराम से, और स्पेशली महिलाएं, माताएं, बहनें जो हैं, वो बिना किसी किराए के, बिना किसी टिकट के पैसा दिए वो ये सफर जो है बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगी। तो मेरी तरफ से एक बार पुनः जितने भी यहाँ पे आसपास के गांव हैं उनको बहुत बहुत बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। सर, क्या ये कोई पॉलिटिक्स ट्रेंड तो नहीं है, क्योंकि ये मांग आज की नहीं, कई सालों से उठाई जा रही है, और अब इलेक्शन के टाइम पे हरियाणा में जो इलेक्शन है वो होने जा रहे हैं, तो इलेक्शन के टाइम पर इनको मान्यता दी गई है, तो सर क्या कहना चाहोगे आप? भाई, जब बाढ़सा गांव में चलाई थी तब तो कोई इलेक्शन नहीं थे, और वो बसें आज भी चल रही हैं। तो बाढ़सा गांव में जो बसें चलाई थी, तो राजनीति अपनी जगह है, लेकिन अगर पब्लिक की कोई डिमांड है और वो अगर मेरे अधिकार क्षेत्र में है, या दिल्ली सरकार के अधिकार क्षेत्र में है, या सीएम साहब के अधिकार क्षेत्र में है, तो हम 100% करेंगे। और इसके बकायदे हमने ऑर्डर इश्यू किए हैं। ऐसा नहीं है कि मैं कोई ये बस पकड़ के ले आया, 2 DTC के अफसर साथ में ले आया, ऐसी जो राजनीति हम नहीं करते। बकायदा हमने ऑर्डर इश्यू किए हैं DTC द्वारा, ये ऑर्डर के तहत पूरा ये बसें चलेंगी। और मेरी एक बार फिर दोबारा बहुत बहुत शुभकामनाएं। राजनीति मेरे ख्याल से बढ़िया राजनीति हमें करनी चाहिए, कंस्ट्रक्टिव राजनीति करनी चाहिए, जिससे लोगों को फायदा हो, जिससे जनमानस के जीवन और सरल हो, उनको फायदा पहुंचे। और मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से माननीय सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में एक आम आदमी के जीवन को बढ़िया बनाया है, चाहे वो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, ट्रांसपोर्ट है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, उसी प्रकार से यहाँ के गांवों को भी सुविधा मिलेगी।